हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग छोले बनाएंगे। इसके लिए मैंने रात भर काबुली चने को सोख कर लिया है और धो के साइड कर लिया है। अब हम लोग इसको बॉईल करेंगे। इसके लिए हम लोग एक बड़ी इलायची, दालचीनी कुछ टुकड़े, दो इलायची और चार पांच लौंग लेंगे और इसको कलर देने के लिए हम लोग आंवला लेंगे। मैंने क्रश्ड किया हुआ आंवला लिया है, आप चाहे तो साबुत भी ले सकते हैं। इसको हम लोग एक कॉटन के कपड़े में इसको बांध लेंगे। चने को बॉईल करेंगे। बस एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप कोई कपड़ा ले तो वो कलर्ड नहीं होने चाहिए और वो मलमल के होने चाहिए या कॉटन के। तो इसको हम लोग बॉईल होने के लिए पहले हम लोग छोला डालेंगे, फिर ये मसाले डालेंगे। दो बेलीफ मैंने लिया है, सॉल्ट डालेंगे, मीठा सोडा डालेंगे ताकि हमारे छोले क्रैक ना हो। कलर कितना अच्छा आया है। अब हम लोग मसाला बनाएंगे। इसके लिए गरम मसाला, धनिया पाउडर, छोले मसाले, जीरा पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, चीजों को मिक्स कर लेंगे। पानी डाल लेंगे। इसको साइड रख लेंगे। अब हम लोग पैन गर्म करेंगे। हम लोग छोले बनाएंगे। चुका है, अब इसमें हम लोग ऑयल डालेंगे। इसमें हम लोग बेलीफ डालेंगे। जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट डालेंगे। जब इसके कच्चा स्मेल आना बंद हो जाए तब इसमें हम लोग बाकी चीजें डालेंगे। ग्रीन चिली, प्याज का पेस्ट डालेंगे। प्याज को पहले मैंने फ्राई कर लिया, फिर उसके बाद इसको पीस लिया है। Thank you.
अब 1 से 2 मिनट तक इसको स्लो फ्लेम पे भूनेंगे। मसाले भून चुके हैं, अब इसमें हम लोग ड्राई मसाला जो हम लोग भिगो के रखा था वो डालेंगे। अब इसे भूनेंगे, इसे तब तक भूनेंगे जब तक हमारा ये ऑयल सेपरेट ना हो जाए। अब इसमें हम लोग टोमेटो प्यूरी डालेंगे। पहले टमाटर को मैंने गर्म पानी में टमाटर को खीरा लगा करके बॉईल कर लिया है, और जिससे कि छिलके अलग हो गए हैं उसको छील करके फिर मैंने इसकी प्यूरी बना ली है। अब इसे ऑयल सेपरेट होने तक इसको भूनेंगे। ऑयल सेपरेट हो चुका है, इसमें लो ग्रीन कोरिएंडर, सॉल्ट, जरा सी हल्दी डालें, जरा सी इसको मिक्स कर लें। इसमें लोग अपने उबले हुए छोले डालेंगे। पानी डाल के हम लोग 2 से 3 मिनट बीच से पकाएंगे ताकि ग्रेवी की 2 से 3 मिनट तक मैंने इसे पका लिया। अब इसे सर्व करेंगे। छोले तैयार हैं, अब आप इसे हेल्दी भटूरे के साथ एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।